टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर सिटी डीएसपी राजवंश सिंह के प्रयास से हबीबपुर थाना क्षेत्र में जरूरतमंदों के बीच राशन वितरण किया गया। हबीबपुर थाना क्षेत्र में डीएसपी राजवंश सिंह के प्रयास से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गौशाला समिति के मानव केजरीवाल के की तरफ से 50 पैकेट राशन वितरण किया गया। वहीं देश में कोरोना वायरस को लेकर लोग परेशान हैं, ऐसी संकट की घड़ी में प्रशासन के सहयोग से कई संस्था आगे आकर लोगों का सहयोग कर रही है। डीएसपी साहब का फोन आया था कि हबीबपुर में कुछ लोगों को जरूरत है, तो जो जरूरतमंद हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो जिनको बहुत ही एकदम व्यवस्था है रोजमर्रे का जो काम कर रहे हैं जिनके पास किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उन लोगों तक हम लोग राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फिर से लिस्ट तैयार की जाएगी, फिर से इनके सहयोग से हबीबपुर थाना के सहयोग से जो भी इधर हो सकेगा लोगों तक राशन पहुँचाने का काम करेंगे, जिसमें हम लोग चावल तेल और आटा ये सारी चीजें जो रोजमर्रे का इन लोगों को कोशिश है, तो गौशाला समिति की तरफ से हमारा एक प्रयास। क्या नाम हुआ आपका? शुभ नाम। कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। कल अचानक दो महिलाओं का मुझे फोन आया था कि सर हबीबपुर में क्यों नहीं बट रहा, तो मुझे लगा कि यहाँ भी आवश्यकता है, दूर दराज का क्षेत्र है, सारे स्वयंसेवी संगठनों का फोकस शहर पर हो रहा था, तो हमने मानव केजरीवाल जी से जो गौशाला के कर्ता धर्ता इनसे बात किया और आज हम लोगों ने जो सबसे अधिक आवश्यकता जिनके उनके बीच बांटा और मुझे लग रहा है कि अभी भी कमी पड़ रही है, तो हम लोग बात कर करके और भी दो चार पाँच दिनों के भीतर और भी बंटवाने का। कितने लोगों को अभी बांटा गया सर? 50 लोगों को बांटा गया, ये राशन है जी। तो फिर मैं प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को हबीबपुर में दिया जाए।